प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक एस्ट्रो तक नो योर फेट। हेलो एवरीवन, मैं सुनिधि मेहरा नारंग आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ एस्ट्रो तक पे। आप सब देख रहे हैं अपना प्रोग्राम तारो राशिफल विद सुनिधि। बात करने जा रहे हैं हम 31 जुलाई के राशिफल के बारे में। बट सबसे पहले बात करते हैं हम अपनी लव टिप की। तो अगर आप अनमैरिड हैं, अपनी शादी करवाना चाहते हैं, आपको लगता है डिलेज आ रहे हैं, आपके बच्चे की शादी में डिले आ रहे हैं, आपकी अपनी शादी में डिले आ रहे हैं, तो आपको क्या करना है, दही में यानी कि कर्ड में थोड़ी सी हल्दी मिलानी है और उससे नहाना है। लगातार 3 महीने आपको उससे नहाना है और आप देखेंगे आपके जो स्टार्स हैं वो बदलने शुरू हो जाएंगे। अब हम बात करते हैं राशिफल की। सबसे पहले बात करते हैं हम एरीज मेष राशि की। क्या कहते हैं आपके सितारे, क्या कहते हैं आपके कार्ड्स। डेथ आपके लिए आया है तो कोई समस्या खत्म होने वाली है, कोई मन में चल रहा बोझ में बदलाव आने वाला है, कोई अच्छा चेंज आपकी लाइफ में आने वाला है, प्लेजेंट चेंज आने वाला है। हेल्थ वाइज भी हो सकता है कोई समस्या से बहुत देर से ग्रस्त है, नहीं समझ लग रही है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो उसमें आपको आज हल मिलता हुआ दिख रहा है। आपके लिए दिन अच्छा है या करियर वाइज भी एक अच्छा प्लेजेंट चेंज आपके लिए वेट कर रहा है। आपको आज क्या करना है, आज आपको 21 बार आपको ओम मंत्र की चांटिंग करनी है। वृषभ राशि वालों, टॉरस आपके लिए बात करें तो आपके लिए कार्ड 9 ऑफ कप आया है। अच्छा दिन जाता हुआ दिख रहा है, करियर में सफलता मिलती हुई दिख रही है, जॉब में अगर इंटरव्यू थी अच्छी जाएगी, अगर आप जॉब चेंज करना चाहते हैं तो आज का दिन अच्छा है अपना रिज्यूमे भेजने के लिए। तो आज ऑल ओवर आपके लिए दिन अच्छा जाता हुआ दिख रहा है, फैमिली के साथ भी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। आज आपको क्या करना है, गाय को हरा चारा खिलाना है। मिथुन राशि जेमिनाइज आपकी बात करें तो पेज ऑफ स्वॉर्ड रिवर्स आज हो सकता है, लोग जितना आपको दिखाएं उतना आपके लिए ना करें, आज थोड़ा सा बच के रहिएगा क्योंकि लोग बहुत मीठे हो सकते हैं बट एक्चुअल में मीन नहीं करेंगे, वो थोड़ा सा मुखोटों से आज बचना पड़ेगा। हो सकता है लोग आपके साथ थोड़ा सा प्यार से रहें और अंदर से पीछे से आपके बारे में कुछ बुरी बात करें, तो थोड़ा सा आज केयरफुल रहिएगा। खासकर आज पैसों की लेन देन बहुत बड़ी नहीं करनी है, बहुत अगर इन्वेस्टमेंट करनी है तो सोच समझ के ही आज करनी है। आज के दिन आपको किसी निर्धन को धन का दान देना है। चौथी राशि की बात करें तो हम कर्क राशि कैंसेरियंस आपके लिए मून आया है, मन में थोड़ा तनाव चल रहा है, परेशानी चल रही है, कहीं ना कहीं थोड़ा डर आपके मन में किसी चीज़ का बसा हुआ है और आज वैसे भी केयरफुल रहना है, कहीं धोखा भी आपको कोई दे सकता है तो थोड़ा डरने की बात नहीं, केयरफुल रहना है। किसी की फेस वैल्यू पे कोई चीज़ नहीं करनी है, कोई पैसा मांगता है या आज कुछ ऐसा कोई काम करने की नौबत आती है तो वो बिना सोचे समझे नहीं करना है। आज के दिन ओम नमः शिवाय का 108 बार जाप करिएगा। अब हम बात करते हैं सिंह राशि की, लियोस की। आपके लिए किंग ऑफ पेंटिकल्स आया है, फाइनेंशियल गेन का आज दिन लग रहा है, धन लाभ का आज दिन लग रहा है, पैसों में ग्रोथ के चांसेस दिख रहे हैं, ऑल ओवर आपके लिए आज अच्छा फाइनेंशियल लाभ दिन लेके आ रहा है। आज आपको क्या करना है, आज आपको किसी निर्धन को धन का दान देना है। कन्या राशि वालों, वर्गोज आपकी बात करें तो 5 ऑफ पेंटिकल्स आपके लिए आज फाइनेंशियल केयरफुल होने का दिन है, आज आपको थोड़ा सा ध्यान से रहना है, पैसों से संबंधित कोई बड़ा निर्णय आज ना ही लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। इन्वेस्टमेंट वाइज भी आज बचें, आज थोड़ा सा फाइनेंशियल ध्यान रखें, अपनी ज़रूरी चीज़ों को संभाल के रखें, कहीं ना कहीं थोड़ा सा आपको अपनी चीज़ों को आज संभालना पड़ेगा क्योंकि कोई ना कोई धोखा भी आज ऐसा हो सकता है। फाइनेंशियली थोड़ा सा आप सतर्क रहेंगे तो आपके लिए अच्छा है। आज आपको क्या करना है, माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करनी है। तुला राशि वालों, आपके लिए कार्ड है जस्टिस, बहुत बढ़िया। तुला राशि वालों, आज का दिन बहुत अच्छा है, आपको न्याय मिलेगा। तो आज अगर कोर्ट केस था, कोई ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट, लीगल चीज चल रही थी, उसमें आपको फायदा होता हुआ दिख रहा है, आपके हक की बात की जाएगी, आज आपको फायदा मिलता हुआ दिख रहा है। करियर में भी आज आपकी जो प्रोजेक्ट है उसमें आपको अच्छा रिस्पांस मिलेगा। फाइनेंशियली भी आज ग्रोथ का दिन आपको दिख रहा है। आज क्या करना है आपको, आज आपको भगवान शिव को चंदन अर्पित करना है। वृश्चिक राशि वालों, आपके लिए क्वीन ऑफ कप रिवर्स, फीमेल से थोड़ी परेशानी चल रही है, फीमेल के कारण परेशान हो सकते हैं, थोड़ी सी लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, अगर फ्रेंड से कहीं ना कहीं लड़ाई हो सकती है तो फीमेल जो आपकी जिंदगी में आज थोड़ा सा इमोशनली आज उनसे थोड़ा टॉर्चर आप हो सकते हैं, थोड़ा ध्यान रखिएगा, इमोशनली आज ऊपर नीचे दिन जाएगा। करियर वाइज तो ठीक है बट इमोशनल डिस्टर्बेंस आज लग रही है, लड़ाई झगड़े के चांसेस भी दिख रहे हैं। तो आपको क्या करना है, आज आपको हनुमान चालीसा बोल के दिन की शुरुआत करनी है। अगली राशि की बात करेंगे, धनु राशि आपके लिए क्या कार्ड आए हैं। धनु राशि,
आपके लिए कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स और साथ में फॉलिंग टावर। तो कार्ड आपके कहते हैं कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा आज अनएक्सपेक्टेड दिन जाएगा, मे बी शुरुआत ऐसी हो कि आपको पसंद ना आए, कुछ ऐसी खबर से शुरुआत हो आपको लगे यार ये क्या, बट शाम आते आते संध्याकाल आते आते दिन आपका अच्छा होना शुरू हो जाएगा और अच्छी खबरें भी आनी शुरू हो जाएंगी। आज संध्याकाल में दुर्गा सप्तशती का पाठ जरूर कीजिएगा। अब हम बात करते हैं हमारी अगली राशि मकर राशि की। मकर राशि वालों आपके लिए कार्ड आया है सेवन ऑफ कप्स। अब सेवन ऑफ कप्स आपको क्या कहता है मकर राशि वालों, प्लानिंग बहुत करेंगे, सोचेंगे बहुत, डिस्कशंस बहुत करेंगे, ऑप्शंस बहुत देखेंगे, बट निर्णय यानी डिसीजन लेने में देरी कर देंगे। तो आज सोचते ही सोचते आपका दिन निकल सकता है, कुछ डिसाइड करना होगा तो नहीं कर पाएंगे, तो ऐसे थोड़ा सा कन्फ्यूजन भरा आज आपका दिन दिख रहा है। मेंटली भी थोड़ी सी एंग्जाइटी आपको रह सकती है, थोड़ा स्ट्रेस आज आपको रह सकता है। आपको क्या करना है, आज आपको अपने घर की शुरुआत में यानी कि जो एंट्रेंस में एक दिया जो है एक मुखी दिया घी जलाना है। एक्वेरियंस कुंभ राशि वालों आपकी बात करें तो आपके लिए कार्ड क्या कहते हैं, डेविल रिवर्स। अब मन में जो खौफ था, कोई परेशानी थी, लग रहा था ये नहीं कर सकता, ये कैसा होगा, कोई गेस्ट ने आना था उन्हें कैसे अटेंड करेंगे, ये ऐसे कैसे करेंगे, तो वो एक प्लेजेंट हो, चीज़ें अच्छी होंगी, मतलब आपने सोची बुरी होंगी बट होंगी अच्छी। अगर कुछ ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट आज के दिन होना था या होना है तो वो अच्छा होगा, आप जैसे सोचेंगे नेगेटिव बट होगा पॉजिटिव। तो आज जो भी मन में नेगेटिव डर था आज उससे बाहर आते हुए दिख रहे हैं, अच्छा दिन जाता हुआ दिख रहा है। आपको क्या करना है, आज आपको ओम नमः शिवाय 108 बार जाप करना है। अब हम बात करते हैं आखिरी राशि हमारी जो है मीन राशि। पाइसियंस आपके लिए मैजिशियन कार्ड आया है, तो आज कोई भी नया काम करने के लिए दिन बहुत अच्छा है, कुछ नया करना चाहते थे बहुत देर से सोच रहे थे, कोई प्लानिंग करना चाहते थे बहुत अच्छा है, अपना कोई इस तरह से नई शुरुआत किसी चीज़ की नींव रखने के लिए बहुत अच्छा है, अदरवाइज भी दिन आपके लिए अच्छा दिख रहा है, अच्छे लोगों से अच्छी एनर्जी आज आपकी मिलती हुई दिख रही है। आज आपको क्या करना है, आज आपको 11 बार गायत्री मंत्र का जाप करना है। ये है हमारा टैरो राशिफल आज का। उम्मीद करती हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी है, वीडियो देखने के लिए हमारे साथ एस्ट्रो तक के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।